जैसलमेर नगर में टूरिस्ट प्लेस के पास समीर अपनी अम्मी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वो अपने अब्बू के गुजर जाने के बाद बेहद गरीबी की जिंदगी बिता रहा था। वक्त बीतने पर समीर धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर जब वो 15 साल का हो जाता है। अम्मी, क्या हम लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं है? ना ही हमसे कोई रिश्तेदार मिलने आता है और ना ही हमें कोई फोन करता है। बेटा, है तो बहुत लोग, लेकिन सिर्फ कहने के लिए। कहते हैं ना, सुख के सब साथी हैं, पर दुख में कोई साथ नहीं देता। अम्मी, मेरे सब दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तुम लावारिस हो। नहीं बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। तुम परेशान मत हो, हमारे दिन जरूर बदलेंगे, फिर उन लोगों को तुम भी जवाब दे पाओगे। हाँ अम्मी, सही कहा आपने। चंपा लोगों के घरों में काम करके दो वक्त की रोटी जुटा पाती थी। समीर इस बात से बेहद परेशान होता है। फिर एक दिन वो नदी के किनारे बैठकर सोच रहा होता है, तभी वो नाव की सवारी कराते लोगों को देखता है, तो वो भी ये करके पैसे कमाने की सोचता है। अरे चाचा, मुझे भी ये नाव चलानी है और पैसे कमाने हैं। हाँ तो नाव खरीद के ला और चला। अरे चाचा, इस नाव को खरीदने में कितने पैसे लगते हैं? ज्यादा नहीं बेटा, बस 20,000 रुपए लगेंगे। खरीद लो। चाचा, ये तो बहुत ही ज्यादा है मेरे लिए, मैं कहाँ से इतने सारे पैसे लेकर आऊँगा? क्या आप मेरी मदद कर देंगे? मुझे कुछ दिनों तक अपनी नाव पर ही काम करने दें, फिर मैं पैसे जुटाकर अपनी नाव खरीद लूँगा। समीर के ऐसा कहने पर नाव वाला सोचता है कि अगर इसको सिखा दूंगा तो मेरी बिक्री कम हो जाएगी, और ये तो नौजवान लड़का है और मुझसे भी तेज काम करके ज्यादा पैसे कमाने लगेगा, फिर मेरी नाव पर कोई नहीं आएगा। ये सोचकर वो कहता है, अरे बेटा, तू अभी छोटा है, नहीं चला पाएगा, और पहले तुझे तैरना भी सीखना पड़ेगा। तब तक कुछ और काम कर ले, पैसे भी कमा ले नाव खरीदने के लिए। ठीक है चाचा। समीर चाचा की बात सुनकर घर चला जाता है। फिर अगले दिन अपने दोस्तों को सारी बात बताता है और फिर अपने घर के हालात भी बयां करता है। वो अपने दोस्तों से कोई काम बताने को कहता है, तब उसका एक दोस्त रुपेश कहता है, भाई एक बहुत आसान काम है, आने वाले टूरिस्ट लोगों को इस जगह के बारे में बातें बतानी है। हाँ, क्या सच में इतना आसान काम है? हाँ भाई, सच कह रहा हूँ, मेरा चचेरा भाई यही काम करता है। चल, मैं उससे तेरी मुलाकात करा देता हूँ, तू काम सीख लेना और फिर करने लगना। समीर रुपेश के दोस्त से जाकर मिलता है, फिर उसका बताया हुआ काम सीख लेता है और करने लगता है। समीर के काम करने से उसके घर की स्थिति सुधरने लगती है। फिर उसके अब्बू की बंजर पड़ी जमीन पर वो अपनी अम्मी के साथ मिलकर धान उगाने लगता है। भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इस काम में लगवा दिया, जिससे मेरे घर की हालत ठीक हो रही है। अरे भाई, दोस्त बुरे वक्त में काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? शुक्रिया मत बोल। बेटा, ये लो, चावल के आटे के समोसे बन गए हैं, खाकर देखो तो कैसा लग रहा है। हाँ चाची, जरूर दीजिए, खाकर बताता हूँ। रुपेश चंपा के बनाए समोसे खाता है। समोसा खाते ही वो अपनी उंगलियाँ चाटने लगता है और फिर कई बार और मांग कर खाता है और फिर कहता है, चाची आपने क्या लाजवाब समोसे बनाए हैं, मैंने तो ऐसे लाजवाब समोसे, वो भी चावल के, कभी नहीं खाए। मेरी माँ के हाथों में जादू है। चाची ठीक है, मैं चलता हूँ, आप ऐसे ही समोसे मुझे रोज बनाकर भिजवा दीजिए। हाँ बेटा, जरूर। फिर अगले दिन जब वो अपने काम पर जाता है तो वहाँ एक टूरिस्ट को घूमते घूमते भूख लगती है। फिर वो समीर से होटल के लिए पूछता है। समीर उसे होटल लेकर जाता है तो वहाँ पर सारे चावल के आइटम होते हैं जो उसे पसंद नहीं आते, तो वो कहता है, Hey man, क्या तुम मुझे किसी अच्छी खाने की जगह ले चलोगे? मुझे चावल का सिंपल खाना खाना है। समीर को समोसे का ख्याल आता है और तब वो अपनी अम्मी को फोन करके समोसे और चटनी बनाने को कहता है। माँ, मैं 2-4 लोगों को लेकर आ रहा हूँ, आप समोसा तैयार रखना। समीर के कहने के हिसाब से उसकी अम्मी चावल के आटे के समोसे तैयार करती है और उसे बेहद खूबसूरत तरीके से परोसती है।
तब जब समीर उस टूरिस्ट को लेकर वहाँ पहुँचता है तो उसकी अम्मी उसे समोसे परोसती है। ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? हम लोग ऐसी कैसी जगह नहीं खाना चाहते। सॉरी जनाब, पर आप लोग परेशान ना हो, ये मेरा अपना घर है और आप लोग एक बार मेरी माँ के हाथों के समोसे खाकर देखें, फिर आपको कोई भी परेशानी हुई तो सबकी जिम्मेदारी मैं ही लूँगा। हाँ साहब, और आप लोगों का मन हो तभी हमें पैसे दीजिएगा, नहीं तो पैसे दिए बिना ही चले जाइएगा। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो हम खा लेते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या करना है। समीर और चंपा के कहने पर वो टूरिस्ट समोसे खाने लगते हैं और उसके साथ दी गई सरसों की चटनी और इमली की चटनी भी खाने लगते हैं। वो लोग समोसे खाकर बेहद खुश हो जाते हैं और फिर और समोसे मांगकर खाते हैं। वाह, क्या लाजवाब समोसे बने हैं। हाँ बिल्कुल, तुमने सच कहा। वो उसकी खूब तारीफ करते हैं और फिर समोसे की कीमत से ज्यादा पैसे देते हुए कहते हैं, तुम लोग इसकी दुकान खोल लो, बहुत ही अच्छे इनकम होगी। हाँ हाँ जरूर सर, जरूर ऐसा ही करेंगे। टूरिस्ट की कही गई बात को मानकर समीर और उसकी अम्मी मिलकर समोसे की दुकान खोल लेते हैं और उनकी दुकान बहुत जल्दी मशहूर हो जाती है। आसपास के लोग और टूरिस्ट को सबको समोसे बहुत पसंद आते हैं। अम्मी, आपके डिजाइन किए हुए रिंग रोल समोसे और भी लोगों को पसंद आ रहे हैं, और नए नए डिजाइन के समोसे बना दिया करो जिससे लोग और खुश होकर और भी समोसे खरीदे। समीर के कहने से उसकी अम्मी और भी डिजाइन से समोसे बनाने लगती है जिससे उसकी डिमांड और भी बढ़ जाती है, जिसके लिए और भी लोगों को काम पर रखना पड़ता है और उसके समोसे फिर दूर दूर तक जाने लगते हैं और उसका मुनाफा बहुत अच्छा होने लगता है। ये जानकर फिर मीडिया वाले आकर उसका इंटरव्यू लेते हैं जिससे पूरे शहर में उसका नाम रोशन हो जाता है, जिसे देखकर उसके खानदान के लोग भी उनसे रिश्ता बनाने लगते हैं। समीर पुरानी बातें भुलाकर सबसे मिलजुल कर रहने लगता है। सीख, अमीरी का साथी हर कोई, गरीबी का साथी कोई नहीं।